वेलकम बैक टू माई चैनल, दिस इज मंजू कौर वोरा और आप देख रहे हो एमकेएस लाइफस्टाइल। तो आज हम आ गए हैं एक और एग्जीबिशन के लिए। तो लगता है ना कि एग्जीबिशन का फेस्टिवल चल रहा है, तो ऐसे ही कुछ समझ लीजिए। तो आज हम आए हैं स्वीट होम रियल एस्टेट इंटीरियर एक्सपो देखने के लिए। तो दिस इज बेसिकली अ रियल एस्टेट एग्जीबिशन, तो चलो अंदर देखते हैं ये स्पॉट। Community, we can all this. What is the entire area? How
entire area is the 23.5 acres. 23.5 acres, okay. Yes. So even if the cycling is there, and completely in this 23.5 acres, surrounding is completely, we have a walking area. How many parks do you have? Like? We have the three parks are there, and inside that, like, you know, we have Gosala also, and temple is also inside only, okay. And completely we built up a like. So इनके पास मंदिर भी है, गौशाला भी है और एट द टाइम स्विमिंग पूल भी है. दे हैव इन हाउस जिम एज वेल. तो इट इज़ अ वेरी गुड प्लेस. यू हैव टू कम एंड डू विजिट. दिस इज अ ब्यूटिफुल प्लेस विच इज वेरी क्लोज टू द विकाराबाद, यू नो, अनंतगिरि हिल्स. ओके, इट इज क्लोज टू अनंतगिरि हिल्स एंड इट्स वेरी, यू नो, सराउंडिंग ऑल दिस फैसिलिटी. वी हैव कंप्लीटली द फॉरेस्ट एरिया and complete hill area surrounding. It's very close. It's surrounded by hill. Compared to Hyderabad and the 3 to 4 degrees temperatures, yes, always. Okay. So very close, like, you know, lot of trees are there and everything. It's like, it's like it is away from the city. Yes. Haifa, but then you have every facility over here. You can have a comfortable life over here, right? गाइस, यहाँ पे मसाजिंग चेयर्स भी लगे हुए हैं, जो आके घूम घूम के थके हैं अपने क्रॉस के लिए एक डिस्कस कर करके, तो आगे दे कैन हैव अ गुड मसाज एज़ वेल. दो मल्टी कलर में बनाया हुआ है.
ऑर्गेनाइज फैशन डे है यहाँ पे। क्यूट गणेशा है, देखो कितना प्यारे लग रहे हैं। इट्स वेरी नाइस, ये मेटल से बनाया हुआ है। This looks really nice.